एटा की जैथरा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 तमंचे बने अधबने व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित एक शातिर असलाह तस्कर गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शस्त्र निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जैथरा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले एक शातिर असलाह तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान ग्राम बगौली से डाडा रोड के पास छिपकर अवैध हथियारों का निर्माण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की जामा तलाशी तथा मौके से 9 तमंचे 315 बोर बने, एक तमंचा 315 बोर अधबना तथा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। सख्ती से पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध शस्त्रों का निर्माण करके बेचने का काम करता है। आगे जैथरा पुलिस द्वारा एक रविंदर उर्फ बड़े लाला नाम के आरोपी को आज पकड़ा गया है, जिसके द्वारा पिछले काफी समय से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इस आरोपी के पास से कुल 10 बने अधबने 315 बोर के तमंचे बरामद किए गए और इसके साथ में शस्त्र फैक्ट्री चलाने से संबंधित तमाम उपकरण भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में इस आरोपी ने बताया कि पिछले काफी समय से इसका ये कारोबार चल रहा था और आसपास के जनपदों से इसको तमंचे की डिमांड के हिसाब से 2000 रुपये तक तमंचे के हिसाब से इसको सप्लाई भी करना था। आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसको न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं जहां से इसको जेल भी भेजा जाएगा। और इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि विगत अन्य कई जनपदों से भी इसको पहले सप्लाई के आर्डर मिले थे, वो काफ़ी लंबे समय से इसका एक कारोबार चल रहा है। इसके पकड़े जाने से अवैध शस्त्र फैक्ट्री से संबंधित इस काले कारोबार को प्रभावित काम लगेगा।